Muradabad in western Uttar Pradesh is one of the 80 Lok Sabha seats in the state. The constituency has a significant Muslim population, with Jats dominating the Hindu electorate here. Presently, the incumbent MP from Muradabad is S.T. Hassan of the Samajwadi Party. During the 2014 general elections, Hassan was defeated by Kunwar Sarvesh Kumar Singh of the BJP. However, in 2019, Hassan managed to turn the tables on Sarvesh Kumar, winning by a margin of more than 97,000 votes. This year, while the BJP has retained Kunwar Sarvesh Kumar Singh as its candidate from here, the Samajwadi Party has given the ticket to Ruchi Veera. आईन को बचाने का मुद्दा है, जमहूरियत को बचाने का मुद्दा है, भाईचारे को कायम रखने का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जीतने के बाद आप मुरादाबाद की जनता के लिए वो क्या विकास कार्य होंगे जो सबसे पहले जो भी यहाँ की जरूरत होंगी उन हर पहलू पे काम किया जाएगा, हर पहलू पे सवाल उठाए जाएंगे सदन के अंदर, और जो भी यहाँ की परेशानियां होंगी उनको पूरी तरीके से उन पे काम किया जाएगा। Also in the fray in a triangular contest in Muradabad is Irfan Saifi of the Bahujan Samaj Party. Saifi is hoping to attract a large chunk of the Muslim votes since he believes the ruling BJP has completely neglected the community. हम मुसलमानों को क्या दिया इन्होंने एजुकेशन फील्ड में? कोई नई माइनॉरिटीज़ की कोई नई यूनिवर्सिटी दी? नहीं दी। बल्कि इन्होंने क्या काम करा? जो आज़म खान ने यूनिवर्सिटी बनाई थी उसको भी ख़त्म करने का काम करा। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो माइनॉरिटीज़ का जो उसका कैडर था उसे भी ख़त्म करने का काम। इन्होंने ओबीसी के अंदर जो हमारा एजुकेशन फील्ड में रिजर्वेशन कोटा था उसको भी ख़त्म करने का काम करा। Known as the brass city of India, Muradabad is world famous for its handicrafts. Artisans associated with the industry feel that political parties should pay more attention to issues that will help in developing the brass industry in the region. Muradabad ka jo artisans hai 2.5-3 lakh log is rozgar mein lage hue hain aur badi ek apne aap ko matlab kahin agar in logo ko naukri di jaye to kahan di jayegi ye apne aap ek generate kar rahe hain. आपने देखा कुटीर उद्योग के लोग घरों में काम कर रहे हैं और 5 से 10 हज़ार निर्यातक काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है जो इंडिया में आती है, मगर उसको देखते हुए मुरादाबाद में वो पैसा नहीं लग पा रहा जो लगना चाहिए। हमारा तो व्यू ये है कि जो हमारे शहर के विकास के बारे में सोचे, हमारी इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में सोचे, हम उसी को बढ़ता देंगे। तो बहुत सारी अभी हमारी इंडस्ट्री को बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ हमारे सड़कें बहुत ख़राब हैं, है ना, कोई सरकारी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर हो, क्योंकि हर आदमी इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकता था, तो कुछ काम ऐसा वो बाहर कराता है। तो सरकार ने कुछ काम ऐसे किए थे लेकिन वो उन पे भी कोई सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है कि वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। मुरादाबाद गोज टू द पोल्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग ऑन अप्रैल 19th.